रिएक्ट जेएस के फोल्डर स्ट्रक्चर में तीन फोल्डर होते हैं। सबसे पहले होता है नोड मॉड्यूल, इसमें सारे पैकेजेस और डिपेंडेंसी स्टोर रहती है। जैसे मान लो ऐप है और बेबल है, CSS टूल्स है और सर्वर की फाइल, ऐसी सारी फाइलें, फोल्डर फाइल सब रहती है इसके अंदर, जिसका उपयोग हम आवश्यकता अनुसार करते रहते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक फोल्डर, इसमें ये आइकन है जो सबसे पहले यहाँ ऊपर ये लगता है ये यहाँ पर, और उसके बाद फिर इंडेक्स की जो फाइल होती है, इसमें मेन फाइल होती है रूट, बाकी तो HTML की फाइल है ही सब, यहाँ मेन होती रूट। और ये जो मेन फाइल है ये इसमें SRC फोल्डर के अंदर, और इंडेक्स JS एंट्री पॉइंट होता है यहाँ, इसमें यहाँ पर ये रेंडर कर देती है। ये सारी इंपोर्ट कर करके फाइलें यहाँ पर हम इसको रेंडर कर देते हैं यहाँ रूट को, तब ये इंडेक्स फाइल यहाँ पर रन करती है। अगर इसको डिलीट कर देंगे तो ये फिर चलेगी नहीं। उसके बाद लोगो है, लोगो लगाने के लिए दो प्रकार के लोगो है। उसके बाद मेन फिस्ट होती है, तो ये मेन फिस्ट फाइल होती है वेब एप्लीकेशन की जानकारी देती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए नया स्तर पर लाती है। और PWA मेन फिस्ट में नेम, आइकन, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, रिसोर्स शामिल है। इसका मेन उद्देश्य है यूजर को जल्दी से जल्दी वेब एप्लीकेशन लोड करना होता है। उसके बाद होता है रोबोट डॉट टेक्स्ट, रोबोट डॉट टेक्स्ट डिसअलाउ भी कर रखा है और अलाउ भी करते हैं इसमें। तो ये रोबोट डॉट टेक्स्ट गूगल से सर्च करवाती है कि किसे सर्च करना है और किसे नहीं करना है, ताकि वेब पेज लोड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो और यूजर को सही जानकारी मिले।